2024 में प्राइम मिनिस्टर होंगे। मुझे हम तो रमेश कुमार को चाह रहे हैं। रमेश कुमार को क्यों चाहते हो? डिबेट में देखेंगे आदमी जो हिंदू मुस्लिम का साथ लेके चलने वाला हो, इस तरह का आदमी देखेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अब जो एमपी का इलेक्शन होना है सांसद का, उसमें किसे वोट दोगे? इवाल तो कोई मन नहीं बना हुआ है किसी का भी, कोई मन नहीं बना हुआ है किसी का, मन नहीं बना हुआ क्यों? जब फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। अच्छा। भाई मेरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। आपके गांव में अभी ऐसा कोई किसी पार्टी से कैंडिडेट आया? कोई आया ही नहीं आज तक, समझे नहीं। निशन आता एक दिन अपनी सड़क का मुहूर्तकरण, इंगज एक सड़क दी तुमने उसका मुहूर्तकरण आया था वो, और वो आनकर अपना एक दो तीन घरों में लिकट कर साफ चला गया था। दिन तक आज तक हमारे यहाँ से निशन आज तक आया ही नहीं, और कोई भी आया नहीं जी, आज तक कोई आया ही नहीं। अच्छा ये जो अभी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, चाहे वो उमेश कुमार हो या भावना पांडे हो या कोई भी हो एक्स वाई जेड, उनमें से कोई आया नहीं अभी तक गाँव में? कोई नहीं आया, हमारा कोई मिला नहीं, हमारा नहीं कोई मिला। तो आपने भी मूड नहीं बनाया अभी तक किसको वोट दिया जाए? जी हाँ, वो तो गाँव के साथ है मामला सबका। हाँ जी, यानी जहाँ पूरा गांव वहाँ पूरा गांव बना के जहाँ जी वहीं हम। हाँ जी, है नहीं। और आप क्या कह रहे थे अभी? मैं ये कह रहा हूँ हमारे गांव में अब तक कोई आया था ही नहीं वोटों के लिए, लेकिन उमेश कुमार सबसे बढ़िया काम कर रहा फिलहाल, अपनी जान वो उमेश कुमार हो। यानी आप उमेश कुमार को सपोर्ट करोगे सांसद के लिए? अपनी जान वो अच्छा काम कर रहा, हिंदू मुसलमान किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हर आदमी का मदद कर रहा फिलहाल उमेश कुमार सबसे बड़ी पावर वो। आप बताओ जी। ठीक कह रहे हैं जो हमारे बड़े कह रहे हैं, यानी जो बड़े कहेंगे उस पे पूरा उतरेगा? हाँ पूरा। उमेश कुमार ये टाइम पे डिसाइड जी, देखोगे जी बड़ों के पीछे ही चलना पड़ेगा। नहीं बड़े दो तरह की बात कह रहे, इन दोनों ने कहा है कि अभी तक कोई नहीं आया, कोई डिसाइड नहीं करा। इन्होंने कहा है उमेश कुमार यहाँ नहीं आए, लेकिन वो काम अच्छा कर रहे हैं। ना कोई नहीं आया जी अभी फिलहाल। उमेश कुमार जी भी नहीं आए? नहीं भी वो भी नहीं आए जी, कोई नहीं आया जी, कोई कैंडिडेट नहीं आया। लगभग कितने वोट हैं बिजौली गाँव में, वोट कितने हैं इस बार लगभग? ऐसे हो गए 6,000 के लगभग जी, 6,000 के लगभग। क्या ये तो पुराने होंगे ना, 5,100 वोट? 5,100 5,500 के और 5,000 के बीच बीच में वोट है। आप लोगों में से कोई बताए किसे वोट दोगे? वोट बना हुआ है जी, वोट बना हुआ है, और अब तक जो सबसे अच्छा काम क्या है विधायकों में, उमेश कुमार ने सबसे अच्छा काम किया है। तुम्हारे विधायक तो यहाँ वो है नहीं, यहाँ के तो विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, इलेक्शन होना है सांसद का, तो अब इन सब को देखते हुए वोट दोगे या कैसे? तो इन सब को वोट तो इस बार उमेश कुमार जी को ही रहेगा जी। आप बताओ, आप वो खड़े जी हमारे चाचा, ये भाई खड़े हैं, ये बताओ चाचा वोट डलवाएंगे आपसे, आप डालो ये हमारे भाई खड़े। मुझे आप ये बताओ वोट किसे करो? भाई जी भी कोई हिसाब नहीं है, जहाँ कहोगे वहाँ करोगे हम तो। भाई जी वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा हमारा, कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो अभी तक डिसाइड भी नहीं किया कोई कैंडिडेट, बस जो भी डिसाइड होगा फिर उसी के हिसाब से जाएंगे ना। कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं, काम करने वाला कैंडिडेट नहीं देखोगे या बस पार्टी देखोगे? नहीं काम कांग्रेस करती है, भाजपा क्या काम कर रही है? कैसे कैसे कह रहे हैं आप इस बात को बताओ? देख लो पिछले 10 साल का कार्यकाल, अगर निसंघ को किसी ने देखा हो, यहाँ 10 साल से निसंघ है ना, यहाँ से किसी ने देखा हो हमारे गाँव में तो विकास? जब भाजपा का कैंडिडेट कौन है, निसंघ है, उसे क्या है? वो 10 साल अगर भाजपा कैंडिडेट बदल दे वह फिर देखते हैं क्या होते हैं। वैसे तो ये है कि हमारा पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ है, भाई के साथ है जी हम तो। अपनी समझ इस्तेमाल करोगे भाई? यही है जी भैया हमारे तो लीडर है जी भैया, भैया लीडर है हमारे। अच्छा। जी यही लीडर है आपके, जो ये कहेंगे वही। अच्छा तो बीजेपी का लड़ने का कोई? बिल्कुल लड़ेगा, बीजेपी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए। भावना पांडे उमेश कुमार को ये कह रहे थे हम तो, दो नाम डिक्लेयर है ना अपनी अपनी पार्टी से, जेसीपी पार्टी भावना पांडे उमेश कुमार जी साहब, बिल्कुल लड़ेगी पार्टी सारी लड़ेंगे, डिक्लेयर नहीं है ना, दो नाम डिक्लेयर है अभी अपनी अपनी तरफ से। सारे नाम डिक्लेयर हो जाएंगे जी जब बताओगे हम तो छाठ को, अभी क्या बता देंगे जब कोई नाम? वोट कैसे करोगे? वोट करोगे जी अपने हाथ से, क्या सोच के साथ वोट करोगे? जो आदमी अच्छा होगा चारों पंचों में उन्होंने देंगे, और यानी जो आदमी अच्छा होगा। हिंदू मुस्लिम एकता सच्चाई कैसे देखोगे, यानी कैंडिडेट में? कैंडिडेट में देखेंगे आदमी जो हिंदू मुस्लिम का साथ लेके चलने वाला हो, इस तरह का आदमी देखेंगे, इस तरह के आदमी देखो, देख के जब वोट करेंगे।
रास्ते में जो सबसे अच्छा आदमी होगा उसे वोट देगा, कोई से पलटेगा वो, ठीक है, चाहे वो निर्दलीय हो। नहीं निर्दलीय क्यों, वो पलटी क्यों देगा? उमेश कुमार तो निर्दलीय है, उमेश कुमार तो निर्दलीय है, तो वो भी किसी पार्टी से आ जाओ, अगर ना आए तो, अगर वो छाद में निकला तो उसे भी देंगे। इतना निर्दलीय को आप जोर दे के बात कह रहे हैं, पूरे देश में कितने निर्दलीय सदस्य? मैं आपसे जानना, हाँ अब सुनो मेरी बात, यहाँ मैं बात करने आया आप लोगों से, आप किसे वोट करोगे? बात कर ही नहीं रहे आप, तो अपनी थोप रहे हमारे ऊपर यार। क्या क्या थोपी बताओ? आपने कह रहे हम पार्टी छोड़ दो निर्दलीय की बात, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, बताओ अभी रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा, मैं अपनी एंकरिंग यहीं बंद कर दूंगा, रिकॉर्डिंग सुना दो भाई, अभी नहीं कहा आपने, नहीं 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 पार्टी, मैंने ये पूछा है, पार्टी का प्रत्याशी, सुनो दो बंदे फाइनल हुए, कहा कि पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, इवन पार्टी के साथ ही तो फाइट होगी, फाइट तो पार्टी के, ऐसा है मैं यहाँ पूछने आया हूँ, जो कैंडिडेट अब तक फाइनल हुए उनमें से दोगे या बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी या बसपा को दोगे? मेरा कोई फाइनल करने वाला है, आपका फाइनल, सबने अपनी इच्छा से कह दिया, अभी तो जो फाइनल तो तभी होंगे जब, ऐसे तो सभी प्रत्याशी घूम रहे हैं मार्केट में। हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप लोगों की चॉइस क्या है? हमारी चॉइस तो कांग्रेस है, ये वाली बात बतानी है ना, शांति सद्भावना है हमारी चॉइस, एम्प्लॉयमेंट रोजगार और प्रगति है हमारी चॉइस, पार्टी के साथ जाएंगे एनी हाउ कांग्रेस के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। अब आप ये कहो ना कि मैं, आप पक्के कांग्रेस सपोर्टर हैं और आप कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी ओपिनियन है, कोई भी कैंडिडेट कैसा भी हो किसी और को देखना, साथ सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी 2024 में प्राइम मिनिस्टर होंगे। हाँ जी, किसे वोट करोगे एमपी के इलेक्शन में, सांसद किसे बनाओगे? मुझे, हम तो उमेश कुमार को चाह रहे हैं। उमेश कुमार को क्यों चाहते हो? वो अच्छा हमदर्द आदमी, गरीब आदमी होगा, हमदर्द है गरीब आदमी होगा, तो आपके साथ कोई हमदर्दी की अब तक मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन आपको अच्छे लगते हैं? अच्छा लगता है, यहाँ आए गांव में, यहाँ अभी तक नहीं आए, अभी आप सुनी सुनाई बातों के हिसाब से बता रहे हो, बिल्कुल कुछ देखा उनका करावा काम कहीं जो कर रहे हो? इधर बगेड़ी गांव में शादी शुदी करा, बहुत विकास करा रहे हैं बेचारे। अच्छा, जो गरीब लड़कियों की शादी कराई उस हिसाब से आपको लगता है वो अच्छे आदमी? अच्छे आदमी। तो आप उमेश कुमार जी को वोट करोगे? बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, गरीब को क्या चाह रहा है, गरीब को तो बस अपना थोड़ी सेफ्टी चाह रही, बस अपना रास्ता चाह रहा, और क्या। वोट किसे करोगे इस बार एमपी के इलेक्शन में? कांग्रेस। कांग्रेस को पक्का? कहीं स्टाम्प पे लिखवा लो। स्टाम्प पे लिखने को तैयार हो? जी बिल्कुल। चलो, और प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? प्रधानमंत्री भी इंशाल्लाह राहुल गांधी बनोगा। राहुल गांधी को जी। सांसद के इलेक्शन में वोट किसे करोगे? कांग्रेस को करोगे जी। क्यों? क्यों का जवाब दुनिया जी, भाई जवाब तो देना पड़ेगा, अगर कांग्रेस को वोट दोगे जवाब तो देना पड़ेगा। खास आदमी कांग्रेस के अपने, कांग्रेस के खास आदमी, कांग्रेस के खास आदमी है, इसलिए कांग्रेस को वोट करोगे जी। चलो ठीक है जी।